हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TCTD Predictions YouTube चैनल में। सीधा मुद्दे की बात करते हैं ताकि आपका और हमारा दोनों का समय बचे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले 53वें IPL मैच के बारे में, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको मैच में होने वाले सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स असल में होने से पहले ही बता दिए जाते हैं। और हमारे TCTD लाइन को भी ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि वहां पर आपको टीवी से एक बॉल पहले ही सारे स्कोर्स लाइव बता दिए जाते हैं। अब दोस्तों सिर्फ इसी एक चीज के कितने फायदे हैं ये हमें बताने की जरूरत तो है नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं दोनों टीम्स के पहले खेले गए सारे मुकाबलों के बारे में। तो अभी तक टोटल 31 मैचेस इन दोनों टीम्स ने आपस में खेल रखे हैं, जिसमें से 20 कोलकाता ने जीते हैं और 11 पंजाब ने। तो यहाँ पर कोलकाता आगे नजर आ रही है। दोस्तों दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। तो कोलकाता की प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इनमें से मार्क्ड खिलाड़ी इस मैच के की प्लेयर्स हो सकते हैं। वहीं पंजाब की प्लेइंग 11 भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इनमें भी वो तीन मार्क्ड खिलाड़ी इस मैच के की प्लेयर्स हो सकते हैं। बात करें कैप्टन्स की, तो एक तरफ है पंजाब के मिस्टर कंसिस्टेंट कैप्टन शिखर धवन और दूसरी तरफ है कोलकाता के नॉन एक्सपीरियंस्ड कैप्टन नीतीश राणा। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर शिखर धवन ही बेहतर कप्तान नजर आ रहे हैं। ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों दोनों ही टीम स्टेबल में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। एक तरफ है पंजाब जिन्होंने आज तक एक भी IPL नहीं जीता, पता नहीं हर साल किस प्लान के साथ खेलने आते हैं, और दूसरी तरफ से कोलकाता जिन्होंने इस साल इतने खतरनाक आदमी को कप्तान बनाया है कि क्या ही कहने। खैर हमें क्या, हमें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। और बात करें विनर की, तो हम गब्बर के पंजाब को विनर मानकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए लेते हैं अलविदा, मिलेंगे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।